अगर आपने कोई भी लोन ले रखा है और उसके अगेंस्ट अगर आपने उनको चेक इशू किया है तो यह चेक आपके लिए गलफांस बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी की पूरी कहानी, चेक क्यों लिया जाता है, क्या होता है चेक बाउंस, उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं अगर आप अपने लोन का भुगतान नहीं कर पाए, और उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसका समाधान क्या है, सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपलिसिटी इन फाइनेंस में। अगर आपने कोई भी लोन ले रखा है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि बैंक वाले ने आपसे कुछ चेक्स ले रखे होंगे। चेक वो आपसे दो प्रकार के ले सकते हैं, एक कैंसिल चेक। कैंसिल चेक होता है आपके केवाईसी के लिए, नो योर कस्टमर, आपकी आइडेंटिटी के लिए आपसे चेक लिया जाता है, आपको जानने की कोशिश की जाती है। अगर आपने ये चेक दे रखा है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि इस चेक की बदौलत आपके ऊपर कोई भी केस नहीं किया जा सकता। लेकिन इस चेक के अलावा अगर आपसे 2, 3, 4, 5 ब्लैंक चेक्स ले रखे हैं तो वो इसलिए लिया हुआ है कि अगर आप अपने लोन का भुगतान नहीं कर सकते हैं तो उस चेक को बाउंस करवाकर अंडर सेक्शन 138 निगोशिएबल एंड इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आपके ऊपर चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। चेक बाउंस का केस होने के बाद आपको अपियर होने के लिए कहा जाता है कोर्ट में, और वहां पर आपका अपियर होना जरूरी है। जहां तक लोन की बात है, चेक बाउंस के केस आपके शहर के बाहर किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो हो सकता है कि चेक बाउंस का केस आपके मुंबई में किया जाए। मुंबई में रहते हैं तो हो सकता है कि चेक बाउंस का केस आपका कोलकाता में कर दिया जाए, यानी कि आपके शहर से कई सौ किलोमीटर दूर। और कभी भी अगर आपके पास कोई सम्मन आता है, यानी कि कोर्ट का नोटिस यानी कि सम्मन उसे कहते हैं, कभी भी अगर वो आपके पास आता है तो आपको एक वकील को हायर करना है और उसके बाद आपको तुरंत ही बेल करवानी होती है, उसी दिन मिल जाएगी और आपको भीतर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑन द स्पॉट आपको बेल मिल जाती है, तुरंत ही मिल जाती है, नहीं तो मिनिमम 14 डेज एंड मैक्सिमम 2 ईयर्स की सजा का इसमें प्रावधान भी होता है। तो कभी भी अगर 138 में, सेक्शन 138 में कभी भी अगर आपके पास कोई चेक बाउंस का आपके ऊपर अगर केस हुआ है तो इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करें और तुरंत ही आप अपनी बेल करवा लें। और उसके बाद अगर आप ये बेल नहीं करवाते हैं, आप जाते ही नहीं सम्मन में, आप सोचते हैं कि छोड़ो यार नहीं जाता हूं मैं, तो बहुत दूर है, इसीलिए तो कितनी दूर केस कर रहे हैं कि आप नहीं जा पाएंगे और आपके खिलाफ एक वारंट, एक अरेस्ट वारंट इशू करवा देंगे जिसमें आपको और अधिक तकलीफ होगी, और इसलिए आप उनके इस जाल में नहीं फंसे। कभी भी अगर आपके पास कोर्ट का सम्मन आया है तो तुरंत ही जाकर बेल करवा ले, नहीं अगर जाते हैं तो आपके खिलाफ वारंट इशू हो सकता है। पहले बेलेबल वारंट होगा, फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू होगा, और फिर भी अगर आप नहीं जाते हैं तो उसके बाद आपको एब्सकॉन्डिंग, भगोड़ा, पीओ घोषित कर देते हैं, और उसके बाद आपके लिए ज़्यादा बड़ी मुसीबत हो जाती है। उतनी दूर आपको सोचने और जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जब कभी भी आपके पास कोर्ट का सम्मन आए आप तुरंत वहाँ जाकर अपियर हो जाए। अब इस कड़ी में एक बात यह भी है कि कई बार जो नोटिस आते हैं आपके पास वो फेक नोटिस होते हैं। फेक नोटिस का यह मतलब यह है कि रिकवरी वाले जो होते हैं वो खुद ही कोर्ट बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, सीबीआई ऑफिसर बन जाते हैं, न जाने क्या बन जाते हैं, वो सब कुछ बन सकते हैं, और वो खुद ही नोटिस एक तैयार करके यूं ही भेज देते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो भेज देते हैं आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर बनाने के लिए। तो अगर वो इस तरीके से कर रहे हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फेक है या नहीं है, तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर वहाँ एक एप्लीकेशन होता है जिसे हम बोलते हैं ई कोर्ट्स, उसे डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पर, और वहाँ पर आपके पास जो नोटिस आया है उसमें जो डिटेल्स दी गई है उसके हिसाब से आप सर्च कर लीजिए कि क्या वास्तव में आपके ऊपर कोई केस हुआ है। अगर केस हुआ है देन यू नीड टू बी वेरी कॉशियस एंड टेक इट वेरी सीरियसली। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं हुआ है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने भी चेक दे रखा है उन लोगों को मैं एक छोटी सी सलाह और देना चाहूँगा
केस आपके ऊपर कभी भी हो सकता है, और इसलिए बेल करवाने के लिए आप अपने पास कुछ पैसे जरूर रखें, क्योंकि वो पैसे मांग रहे हैं, पैसे नहीं है, आप इग्नोर कर रहे हैं, चलेगा। वकील का नोटिस आया, आपके पास पैसे नहीं है, 7 दिन का टाइम वकील ने आपको दे रखा है, पैसे 7 दिन में भी नहीं दे पाए, चलेगा। लेकिन अगर कोर्ट का समन आया है, 138 में आया है, तो आपको बेल करवानी होगी, और इसलिए आप एक छोटा सा फंड जरूर तैयार करके रखें, नहीं तो वहाँ मुसीबत आपके लिए बढ़ सकती है। उम्मीद करता हूँ कि चेक बाउंस के केस में क्या होता है, कैसे होता है और आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी आपको इस छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण वीडियो में मिल गई होगी। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनको बता दो कि इस तरह के वीडियोज मैं बनाता रहता हूँ। तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको वैल्यू मिली है, तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है, तो आपको सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत है भी नहीं। लेकिन वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोज ऑन लोन एंड डेट ट्रैप। और जो लोग ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज लीव ए कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स, सो दैट अगर उनका सुझाव मुझे पसंद आया तो उसके ऊपर मैं और वीडियोज बनाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा जो लोग मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने नीचे एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, हाई लिखकर उस नंबर पर भेजना है, आपको आगे के नेक्स्ट स्टेप्स जो भी वो मिल जाएंगे। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो उसके बाद हम जल्दी ऑन कॉल 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल पर कनेक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिए, आपको इस नंबर पर सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, कॉल करेंगे कॉल लगेगी नहीं। और अगर आपको कोई कंसल्टेशन नहीं चाहिए तो प्लीज़ आप मैसेज भी अभी नहीं भेजें, क्योंकि मेरे पास अगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्पैम्स आ रहे हैं तो मैं उसे ब्लॉक कर देता हूं। और ब्लॉक करने से एक नुकसान ये हो सकता है कि इन फ्यूचर भी अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे, आप पैसे देकर भी इन फ्यूचर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे, तो भी आप नहीं कर पाएंगे। सो इफ यू डोंट नीड एनी कंसल्टेशन, प्लीज़ डोंट स्पैम। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए, बाय बाय।